हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गार्डन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्लांट के बारे में, जिसका नाम है पोचलिका, या फिर आप इसे मॉस रोज के नाम से भी जानते होंगे, या फिर कई जगह से 8 o'clock, 10 o'clock इस नाम से भी जानते हैं। बाय द वे, मेरे यहाँ जो नर्सरीज में ये प्लांट मिलते हैं, कई जगह इसे दुबी फूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लांट जो है एक बहुत ही लेस केयर एंड लेस मेंटेनेंस के साथ अपने आप घर में लगा सकते हैं, जो कि आपको लगभग लगभग साल के 6 से 7 महीने फ्लावरिंग देता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं इसमें, और इसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेरे पास अभी से भी ये जो दो वैरायटी आप देख रहे हैं, पिंक एंड वाइट, ये कलर है, बट इसमें 8 से 10 बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं मार्केट में, बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी अवेलेबल होती हैं। इस प्लांट को आप चाहें तो छोटे से छोटे स्मॉल पॉट्स में भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, पर्सलिन को मैंने एक प्लास्टिक बॉटल में लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है, इसमें फ्लावरिंग भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो सेम जो पोचलिका है, वो भी आप इससे इस तरह के छोटे से पॉट्स में लगा सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करेगा। अब अगर बात करते हैं तो मैं, जैसा कि ये एक बहुत ही बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है, बट अगर आप चाहें तो इसे आप ग्राउंड कवरिंग में लगा सकते हैं। ग्राउंड कवरिंग में भी बहुत अच्छा कवर करता है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है, बट मेनली ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको हैंगिंग बास्केट में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है, कहीं भी आपको ये अगर नर्सरीज में 10 या 20 रुपये में मिल जाता है। अगर आप इस साइज़ के पोचलिका की बात कर रहा हूँ मैं, एक जो आता है पोचलिका, वो थोड़ा इससे डबल या ट्रिपल साइज़ का होता है, जो मैंने फर्स्ट टाइम इस बार नर्सरी में देखा। तो वो प्लांट जो है वो लगभग मुझे 60 to 70 rupees का पड़ रहा था, लेकिन उसमें तीन कलर मिक्स थे, तो प्राइसिंग ज़्यादा इसकी कोई रहती नहीं है। बाय द वे, अगर आपको ये नहीं मिलता है कहीं नर्सरीज में, किसी के घर पे आपको दिख रहा है, तो सिंपल है कि इसकी आप छोटी सी स्टेम कट करके ले आइए और अपने घर पे लगा दीजिए। बहुत ही ईजिली प्रोपगेट हो जाता है, काफ़ी अच्छा भी ये ग्रो करता है। अब अगर बात करते हैं सॉइल की, तो ऐसा चीज़ है, कोई स्पेशल सॉइल नहीं चाहिए, आप इसे सिर्फ नॉर्मल अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो भी अच्छी बात है, हैंगिंग बास्केट में लगाइए। हाँ, तो हैंगिंग बास्केट में लगाने में आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसका थोड़ा वेट कम रहना चाहिए, तो उसके लिए आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, और ड्रेनेज प्रॉपर रहे उसके लिए आप रेत वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला प्लांट है। अगर बात करते हैं आप इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसे फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। ये एक तरह से आपका सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, क्योंकि इसके लीव्स और इसके स्टेम में थोड़ा पानी जैसा रहता है, तो अगर इसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसमें फ्लावर्स नहीं देखने को मिलेंगे, ये एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे फुल सनलाइट वाले एरिया में रखिए, जहाँ दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती है, तो ये आपको फ्लावरिंग बहुत अच्छी देगा और ये बहुत अच्छा दिखेगा। बट अगर आपने इसे शेड वाले एरिया में रख दिया है, तो फिर हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ये प्लांट फ्लावरिंग अच्छे से नहीं कर रहा है, या फिर इसमें फ्लावर्स कम आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेन सीज़न होता है वो होता है आपका लगभग अप्रैल मई से लेके नवंबर तक जाता है, जहाँ पर जैसी भी गर्मी रहती है या सनलाइट जैसी भी रहती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो ये मेन होता है, जैसे ये अभी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक जाता है, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है। तो आपको अगर इसमें फ्लावरिंग चाहिए तो इसे प्रॉपर सनलाइट में रखना पड़ेगा। अगर बात करते हैं वाटरिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सकलेंट वैरायटी है, तो इसकी वजह से इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। वैसे होती है, आपको अगर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे काफ़ी दिन तक, तब भी ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसकी लीव्स और स्टेम में पानी होता है। फर्टिलाइज़र की बात करें, तो फर्टिलाइज़र भी इसको कुछ सच स्पेशल नहीं चाहिए, आप चाहें तो कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, DAP वगैरह दे सकते हैं, फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं, बट जैसा कि मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ भी फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल थोड़ा सा भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, और ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लगभग आपके एक दिन ज़्यादा नहीं रहते हैं, अगर मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के आसपास इसमें फ्लावर्स आए, जब सनलाइट आती है उसके बाद इसमें फ्लावर्स आते हैं, वो आपको शाम होते होते फिर इसके फ्लावर्स बंद हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे ये फ्लावर्स नहीं रहेंगे, तो नेक्स्ट डे फिर कोई जो नया फ्लावर रहेगा वो आएगा और वो शाम तक रख के ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम इनके फ्लावर्स वही सुबह से लेकर शाम तक ही टिकते हैं, उससे ज़्यादा इसके फ्लावर्स टिकते ही नहीं हैं। अब आपके साथ मैं एक पुरानी फ़ोटो शेयर करूँगा लास्ट ईयर की, जो मेरे पास प्लांट था वो कितना अच्छा ग्रो किया हुआ था। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको रेलिंग पर लगाया हुआ था अपने फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये लगभग ये जो है ये अक्टूबर के महीने का है, तो उस टाइम कितना अच्छा फ्लावरिंग किया था। अगर बात करते हैं हम इसके प्रोपोगेशन की, तो उसके लिए सिंपल आपको एक स्टेम कट करके आपको लगाते नहीं है। ये देखिए, ये जो मेरा पॉट है, इसको लगभग मैंने 1 हफ्ते पहले इसमें 5 से 6 नई कटिंग लगाई हुई थी,
और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये अभी फैल गया है, और इसमें मेरे ख्याल से एक दो दिन में इसमें फ्लावरिंग आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।